हाँ रिशु, अभी तो उठा हूँ। नहीं यार, अभी नहीं, टॉयलेट जाऊंगा पहले। नहीं यार, गेम लैग मारेगी वहां पे। अभी नहीं ना, बाद में खेल लूंगा। तेरी बस की आइस। नैना, नैना यार, मेरी वॉलेट और कीज नहीं मिल रही है। नैना, हाय यार, मेरा सामान नहीं मिल रहा है। चाबी? You know what? You will be a perfect wife. Or a detective too. Detective. By the way, detective, मेरी घड़ी कहाँ है? अब यार, you know वो टूट चुकी है। क्या बात कर रही हो? कब? कैसे? तुम ना पूरे रास्ते ना मुझे बस चिढ़ाते रहोगे। पूरे रास्ते नहीं, पूरे ट्रिप में। यार, तुम चंडीगढ़ काम से जा रहे हो मुझे चिढ़ाने के लिए? हाँ देखो, जा तो वैसे चिढ़ाने रहा हूं, पर लगे हाथ अगर काम हो जाए तो क्या बुरा है। यू लुक क्यूट इन दिस लुक। हाँ, तुम्हें तो क्यूट लगूंगा ही, और किसी को लगू ना लगू। वही तो मैं चाहती हूँ। बाय द वे, दिस लुक इज सो सिली यार, व्हाई यू लाइक इट? I've got my reasons. और तुम्हें ना बस मुझसे अग्री करना है। That's your job. You and your reasons. चले। चंडीगढ़ awaits us. आ जा जल्दी। हाय आइस, नैना। हाय नैना। हाय कार्तिक, हाउ आर यू? ठीक हूँ, तू? मैं भी अच्छी हूँ। बढ़िया है यार, मुझे लगा था तू फोन ही नहीं उठाएगा। ले, तू फोन कर सकती है तो मैं उठा भी नहीं सकता? अब नहीं, मतलब मुझे लगा कि तू गेम खेल रहा होगा ना, तो ना ना, अब नहीं खेलता। सच में? और क्या, तूने तो कहा था बड़ा हो जा। हो रहा हूँ। टाइम से बड़ा हो जाता तो। तो अच्छा होता तेरे लिए। तेरा ब्रेकअप ब्रेकअप तो नहीं हो गया ना? कहीं पी पा के फोन कर रही हो? दारू पी कैसे बात करती हूँ मैं? हर बिजनेसमैन के साथ रह रही है, क्या पता तू भी सब खरफरे टाइप हो गई हो। भाई तो हाउ इज वो? कल चंडीगढ़ आ रही हूँ। यहाँ आ रही है क्यों? वो आदिल की एक बिजनेस मीटिंग है। तो मुझसे क्या मिलना है? क्यों, सब ठीक है ना? मोस्टली। फिर कभी कभी नहीं होता है।
ये क्या बात हुई यार, मुझे ना तेरे गिफ्ट्स बॉदर करते हैं। तू संभाल के रखे अब तक? तूने फेंक दिए? ना ना, रखे हैं, यूज नहीं करता। क्यों? क्यों क्या यार, बंदी को बुरा लगेगा इसलिए। तो तू एक काम कर, तू मिल मुझसे और तू वापस कर दे। वापस कर तू? हाँ, क्योंकि मैं भी वो वापस करने आ रही हूँ। तू इसलिए आ रही है क्या मिलने? हाँ कार्तिक। ले, तुझे इतना परेशान कर रहे हैं तो फेंक क्यों देती? ऐसी स्ट्रेस ले रही है। यार तुझे वापस लेने में कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे ट्रिक क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत है? तुझे वापस करने है तो कर दे, मुझे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। आई श्योर? हाँ यार, अब क्या बोलूँ अब मैं? क्या वैसे प्रॉब्लम क्या है? मैं तुझे मिलके बताती हूँ ये सब, ठीक है? मैं लोकेशन तुझे व्हाट्सएप कर दूंगी और अनब्लॉक कर दियो मुझे, ठीक है? बाय। ये सामान लो। अंदर नहीं आ रही हो क्या? अरे लो तो। अब कोई काला साया आके तो दिखाए। बेबी क्या कर रही हो ये? डिफेंस प्लान बना रही हूँ तुम्हारे घर का। अरे ये डिफेंस प्लान? हाँ बाबू, ये स्पिरिचुअल आर्मी होती है, ये कोई भी काला साया घर पे नहीं पड़ने देती। तो बेबी मैंने बोला था ना यार, मेरा हॉरोस्कोप मत देखना। मैंने तो इग्नोर ही किया था, पर फिर सिम्मी का फोन आ गया। उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड की राशि में ग्रह इधर उधर हो गए हैं, मतलब कोई भारी मुसीबत आने वाली है। उसका फोन कटा तो मुझे ध्यान आया कि मेरे बाबू की राशि भी सेम है, मतलब तुम्हारे ग्रह भी इधर उधर हो गए हैं और कोई भारी मुसीबत आ सकती है। लेकिन अब नहीं आएगी, थैंक्स टू यू एंड योर स्पिरिट, ये जो कुछ भी है। योगर्ट लाई हूँ तुम्हारे लिए। योगर्ट? ये क्या होता है? तुमने खाया नहीं कभी? अरे ग्रीक दही होता है, होता अपने दही जैसा है बस मीठा, और कुछ फ्लेवर्स होते हैं इसमें। मैंगो लाई है तुम्हारे लिए। मैंगो? खा के देखे। खाओ। ये शर्ट कब ली? अच्छी लग रही है। पर इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? रिशु के यहाँ मुझसे मिलने आ रहे थे। नहीं। फिर वो नोनो से मिलना। क्या वो है ना, नोनो से मिलना है। किससे मिलना है? नैना से। नैना से? कार्तिक से? हाँ दिल। क्यों? या तुम तो पूरा दिन बिजी हो गए और मेरे पास ना उसको कुछ सामान भी रहता है तो मैं वो वापस कर दूंगी। अच्छा ओके ओके। यार इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो मैं नहीं जाती हूँ। कंफर्टेबल की बात नहीं है, अगर उसने बोला उसको उसका सामान चाहिए तो दे दो। अब एक्चुअली उसने नहीं बोला है, मैंने उसको कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। तुमने उसको बुलाया? हाँ दिल, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामान हम पार्सल भी तो कर सकते हैं इफ यू वांट। यार व्हाट आई वांट इज टू गिव हिम द स्टफ पर्सनली। ओके कूल, नॉट अ बिग डील। कॉल तुम करो या वो करे, मतलब तो सामान से है ना, राइट? हाँ मैं सामान देके थोड़ी बहुत बातचीत करके वापस आ जाऊंगी। बातचीत करके? यार ऑफ कोर्स यार, तुम खुद सोचो ऐसे कितना रूड लगेगा कि मैं सामान दिया और बिना कोई बातचीत किए वापस आ जाऊं। डोंट यू थिंक सो? सही कह रही हूं। सी इफ यू वांट तो तुम भी साथ में चल सकते हो। मैं क्या करूंगा वहां? लुक आई कैन टेक यू देयर, ठीक है? तुम उससे बात कर लेना, मैं गाड़ी में वेट कर लूंगा। डन।
जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे। कंफर्टेबल क्या, मुझे क्या हुआ है? एक साल बाद याद आ रही है उसे। मैं भी सोच रहा था। उससे पूछा? मैंने पूछा उससे, उसने बोला कि मिलके बात कर लेंगे। मैंने सोचा ठीक है मिलके बात कर लेंगे। सोचते बहुत हो तुम। नहीं बेबी, मैं मिलके पूछूंगा। तुम्हें पता है ना, ज्यादा सोचने की बीमारी होती है। हाँ बेबी। ओवरथिंकिंग मैं थोड़ी कर रहा हूँ यार, आप कर रहे हो। मुझे तो करनी पड़ेगी ना कार्तिक, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। यार मना करना है, साफ कर दो, ये क्या एक्सक्यूजेस से बनाए रहे हो। अच्छा सुनो, तू अच्छा इधर बैठो बेबी, बैठो। इतु बेबी, डू यू ट्रस्ट मी? और नहीं तो क्या? तो फिर क्या दिक्कत है? मैं नहीं बताऊंगी। ले क्यों, बोलो तो। तुम मानते ही नहीं। कोई वैलिड रीजन होगा तो क्यों नहीं मानूंगा, बोलो ना। शाबाश। अगर उसने तुम पर कोई जादू टोना कर दिया फिर? ये आपका वैलिड रीजन? और नहीं तो क्या, खुद सोचो। कल हॉरोस्कोप में भी आया था कि कोई मुसीबत आने वाली है, और फिर उस लड़की का फोन आना, कोई कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है। तू बेबी क्या हॉरोस्कोप यार, सर टाइम। मैंने कहा था ना तुम नहीं मानोगे। मैं मान गया। तू क्या है यार? तुम हाँ भूल दिए ना उसको, तो मिलना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ कि ना मैं क्या करूं जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो। मैं वही करूंगा पक्का। तुम उसका दिया हुआ कुछ भी खाओगे नहीं? नहीं खाऊंगा। और पियोगे भी नहीं? नहीं पीता। और उसका दिया हुआ कोई भी सामान घर नहीं लेके आओगे, बाहर ही फेंकाओगे? ठीक है, नहीं लाऊंगा कुछ। और जल्दी घर आ जाना, क्योंकि 9 बजे का शो है, तो लेट मत होना। ठीक है, और अगर लेट होगा ना तो उसको साथ ही ले आऊंगा। ठीक है। अच्छा तो बेबी डोमेस्टिक वाले से क्या कर रहे हो मेरे साथ? ठीक है। अच्छा मैं सिमी के घर जा रही हूँ, रात को मिलती हूँ, बाय। रिशु, अरे तेरे पापा के कपड़े चाहिए होंगे यार। हाँ यार थैंक यू, आता हूँ। एक्सक्यूज मी, टाइम बता सकते हो टाइम क्या हो रहा है? छोटी सुई सुई यार, आप खुद देख लोगे यार, मुझे देखनी नहीं आती सुई यार। नैना, कोई कैफे टाइप जगह में बैठ सकते थे तुम लोग यार। कैफे है तो यहाँ पे ना चाय बहुत अच्छी मिलती है, तुम पियो मैं आती हूँ। जल्दी आना। हेलो, कहाँ है? हाँ इधर ही आ जा। ओह
ठीक है, मैं आती हूँ। हाय, वहीं चले, यहीं बैठते हैं। ठीक है, अच्छा ऊपर आ। नहीं ठीक हूँ मैं, चीजें काफी चेंज हो गई। पहले जब हम पहले जब मैं यहाँ पे आती थी तो सिंगल रोड था ना, अब इतने टाइम से आई नहीं तो देखो हाईवे बना दिया। तो फौरन चली जाए तो पूरे इंडिया की तरक्की हो जाए। कितनी बार आया है ना हम इस रोड पे, पर फिर भी आज अपनी अपनी सी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है हाईवे बनने के बाद मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू रोड के बारे में बात नहीं कर रही? अच्छा लग रहा है तू फॉर्मल, पहली बार पहने है ना? ना ना, तो रेगुलर डेली पहनता हूँ तो। डेली? अरे डेली मैं कोई तू ये रोड का मेटाफर यूज करके बात कर रही थी ना मेरे बारे में। यार हद हो गई, मतलब इतना ऑब्सेशन तू इसको रोड को तो देख तू, तेरे को बदली बदली सी नहीं लग रही है? पतली तो है। हाँ तो अब मतलब मैं बोल भी नहीं सकती। पर मुझे अभी डाउट हो रहा है यार, तुझे वैसे भी ना शायरी टाइप बातें करना हमेशा से पसंद रहा है। वैसे नाम क्या तेरे बंदे का? आदिल कश्यप। आदिल? कभी सीरियस लग रहा है तुम्हारा? है भी और नहीं भी। ये क्या बात हुई? मतलब अभी क्लियर नहीं है। ले मैंने तो एक महीने में तुझे एफबी स्टेटस चेंज करा दिया था और फिर वो तीन महीने बाद करो जो भी रखवाया था, इसका तुझे छः महीने बाद भी क्लियर नहीं है? तेरे साथ इतने जल्दी क्लियर करके कहाँ पहुँच गई मैं? और फिर तू ही बोलता था ना कि सबको बस अपनी अपनी स्पीड पे चलना चाहिए, वे शुड नॉट पुश एनी वन एंड आवरसेल्व्स टू। तो मतलब अब क्या मैं अपनी गलती भी ना सुधारूं? यार इसीलिए ना मुझे ये मैच्योर टाइप बातें ना कभी पसंद ही नहीं आई। तूने बोली क्यों थी यार? ये कुल्हाड़ी बनाते टाइम थोड़ी आदमी को पता था कि अपने पैर पे भी गिर सकती है। ये क्या एंग्री यंग मैन टाइप है तेरे वाला? आदिल बिल्कुल भी नहीं, ही इज अ वेरी चिल गाय। देख तो ऐसे राजे से भी गुस्से मार देगा आके। हाँ देख तो ऐसे ही रहा है वो। हेलो देख तो रहेगा क्या मतलब है यार? मतलब देख ही तो रहा है ना, थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी ना सब में होती है और वैसे भी इज ट्राइंग टू ओवरकम इट। यार वो तो ठीक है यार, पर नैना यार वो ऐसे घूरता रहेगा ना तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा तेरे से। यार नैना एक काम करना यार, तू मेरे को दे दे सामान फिर मैं चलता हूँ यार, फिर कभी मिल लेंगे हम ठीक से हैं? हाँ ऐसा कर ले। ठीक है फिर बाय। हो गया चलें? मुझे ना 5-10 मिनट और लगेंगे। हाँ ठीक है आती हूँ। तू गई नहीं? गई होती तो मैं यहाँ पे होती क्या? चला थोड़ा वॉक कर लेते हैं। उसे बोल के ही आई हूँ ना ऑब्वियसली। चला इसको डिग्गी में रख दूँ। रुक भैया। हाँ भाई। एक कप चाय। तो भाई पैसे दे दियो पहले। क्या? पैसे दे दियो पहले। क्यों? बैंड तो तीन बंदे भाग गए यार इस महीने बैंड चो बिना पैसे दे रहा छोटू का वो डीलर बैंड तो पैसा नहीं लेगा अभी तक। मैं तेरे को भागने वाला लग रहा हूँ तब तो वो भी नहीं थे बैंड चो। आजा यार
यार वैसे हम ये वॉक क्यों कर रहे हैं? तू बात नहीं कर पा रहा था ना दिल के सामने, इसलिए। अच्छा अच्छा, तू कर पा रही थी? मतलब? मतलब यार तुझे ऑकवर्ड था, नहीं फील हो रहा था थोड़ा सा? नहीं, तुझे लग रहा है ना, तो चल वापस। ना चल। ना ऐसे थोड़ा सा तो है ना यार, तेरा बॉयफ्रेंड साथ में आया ना शायद इसीलिए। यार तू कुछ और बात करेगा। उसने बोला था क्या साथ में आने को? मैंने बोला था। ले तूने क्यों बोला? यार कार्तिक वो हमारे बीच का मैटर है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरी जॉब कैसी चली है? बढ़िया है। कुछ और नहीं ट्राई किया तूने? करना ही क्यों है? नहीं मतलब तूने बोला था ना कि जॉब से ब्रेक लेके तुझे कहीं घूमने फिरने जाना है। हमारा घूमना तेरे साथ था इसलिए ब्रेक चाहिए था, तेरे बाद तो फिर जॉब ही रह गई थी मेरे पास, उसी में मन लग गया। नहीं मतलब रिलेशन में तो तू अभी भी है, तो अभी कैसे घूमता फिरता है? अरे घूम आया था तेरे बाद, अपना वो केदारनाथ अजमेर। फिर मुझे रिलाइज हुआ यार कि ये घूमना फिरना ना सबके लिए नहीं होता, कुछ लोग घर में मस्त आराम करने के लिए बने होते हैं, मैं वो आराम करने वाली कैटेगरी में से हूँ। तो ट्रैवलिंग से बोर हो गया? क्यों, हो नहीं सकते क्या? नहीं मतलब होते नहीं है ना लोग यूजुअली। क्या पता कौन किससे बोर होता हो, कि ना ये पिक्चरों ने ज़्यादा हाइप दे दी है घूमने फिरने को। यार तू माने या ना माने लेकिन इट्स द बेस्ट एस्केप। एस्केप फ्रॉम व्हाट? किसी भी चीज़ से जिससे भी आप परेशान हो। तू भी तो परेशान थी मुझसे, ब्रेक हुई जगह घूम फिर आते कहीं पर। That's not fair, कार्तिक। अरे माहौल लाइट कर रहा था यार, आजा। अरे आ तो, आजा आजा। Hey, hi, संजना, how are you? हाँ, नैना पास में ही है, क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही। अच्छा मेरी बात सुन, मैं करवाता हूँ बात, रुक जा, दो मिनट होल्ड कर। ओ भाई, ओ फैंसो पैसे। पैसे? तू ना बहुत अलग बातें करने लग गया है। तुझे सब कुछ ही बदला बदला लग रहा है अब। यार तूने सुना भी है खुद को? तू ना फिलॉसफी झाड़ रहा है, वो भी बहुत सारी। तो मतलब पहले तो नहीं होता था यार तू ऐसा? पता नहीं यार, हाँ अभी थोड़ा पढ़ना वढ़ना शुरू किया है मैं भी इसलिए। सीरियसली तूने पढ़ना शुरू कर दिया है? क्या तो फिलोसफी तो नहीं पढ़ने लग गए? कांट बिलीव इट यार, मेरे रहते ना मैंने तुझे इतनी बार बोला पढ़ने के लिए, तब तो तूने कभी नहीं पढ़ी। कब हुआ कभी है मेरे कल? ओ तेरे जाने के बाद ना तेरी सिलेबस की बुक्स रह गई थी मेरे यहाँ पे, तेरे याद में खोलते खोलते ना वो भी इंटरेस्टिंग लगने लग गई, एक दो और ले आया पढ़ने लग गया। कैसा लग रहा है फिर पढ़ के? बढ़िया। पहले पढ़ लेता तो सही रहता यार। नैना आदिल, वो संजना का कॉल आया है, वो कह रही कुछ इम्पोर्टेंट काम है बहुत। आदिल कश्यप? आदिल कश्यप, बढ़िया नाम है। ठीक है, संजना का फोन था? यू नो हर? हाँ वो मिला हूँ एक दो बार। कुछ क्या काम वाम था? कुछ कह रही थी कुछ इम्पोर्टेंट काम है। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब वो ना ऐसी हर छोटी मोटी बात को ना ऐसा अर्जेंट बना लेती है वो, इसलिए ना उसको ऐसा फील होता है कि इम्पोर्टेंट काम है। नहीं बट शी साउंडेड सीरियस राइट नाउ। नहीं मतलब उसके लिए तो सीरियस ही होगी वो, जनरली ऐसा कोई सीरियस बात नहीं होगी।
नैना ना उसे वो जब भी मेट की गीत बुलाती थी। मतलब वो अब भी बुलाती होगी शायद, तुम्हें बेटर पता होगा। नहीं हाय, एवरीथिंग इज ओके। हाँ यार, कल कंजके है ना, तो वो कंफ्यूज हो रही थी कि हलवा आटे का बनाया या सूजी का। आर यू डन हियर? 10 मिनट दो यार मुझे। क्या यार नैना, तू रेड जोन में छोड़ के चली गई थी मुझे। यार कार्तिक, तुझे ना मैं बता चुकी हूँ, ही इज अ वेरी चिल गाय। चिल? ओ यार चिल तो मैं हूँ, वो तो तप रहा था। तू ना आती ना मुझे घसे मार चुका तब तक। वैसे तुम दोनों की रिलेशन के अकॉर्डिंग तो ना उसका बिहेवियर बिल्कुल सही था। अरे कहाँ है यार, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा अगर आदिल की जगह तेरी गर्लफ्रेंड होती फिर? फिर क्या, बहुत अलग रिएक्शन होता उसका। अच्छा हाँ, चल फोन मिला तो उसे। क्या कर रही है? फोन मिला, मैं भी तो देखू ना यार तेरी अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड को। बिजी बिजी होगी कहीं पे तो नहीं उठाएगी फोन? तो एक बार मिला तो सही। चल फोन मिला यार, जल्दी मिला। हेलो स्पीकर नीतू बीबी। हाँ जी बेटू, हो गया फ्री? नहीं अभी यहीं पे हूँ, निकलूंगा थोड़ी देर में। अच्छा, और वो जुड़ैल कहाँ है? क्या क्या कहा? अरे वो डायन कहाँ है? खड़ी है थोड़ा दूर। अच्छा, कुछ खिलाया तो नहीं ना उसने? नहीं तो खाना भी मत। चलो बताओ फोन क्यों किया था? वो बस आवाज सुननी थी तुम्हारी। ओ, गाना सुनना है मेरे बाबू को? नहीं नॉर्मल आवाज। और अच्छा नीतू बीबी, मैं करता हूँ बात आपको यार बाद में, ठीक है? ओके बाय। क्या यार तू खुश है ना? क्या मतलब वो आदिल के साथ है यार, अरे हैप्पी? मैंने पूछा तू नीतू के साथ खुश है कि नहीं? पूछ सकती है तू। क्या मेरे को नहीं पूछना यार? पर मैंने तो पूछ लिया ना, बता दे। ऑफ कोर्स। फिर तुझे मेरे सालों पुराने दिए हुए गिफ्ट सब क्यों तंग कर रहे हैं? चल मैंने कब कहा ऐसा? अरे ऐसा है तभी तो देने आई है ना वापस, नहीं दिवाली की सफाई चल रही तेरे घर पे? नहीं मतलब अगर चल भी रही थी तो क्या, मतलब मैं आदिल के साथ खुश नहीं हूँ? नहीं यार मुझे नहीं लगता। कार्तिक स्टॉप अज्यूमिंग स्टफ, आदिल ना बहुत अच्छा इंसान है। अरे होगा यार, क्वेश्चन तो कुछ और था ना। तू खुश है नीतू के साथ? तुझे तो पूछना नहीं था, अब पूछ लिया है ना, अब बता दे। खुश हूँ ऑब्वियसली, साल भर से रह रहा हूँ उसके साथ, क्या खुश नहीं होऊंगा क्या? तो क्या मैं आदिल के साथ खुश नहीं रह सकती? यार क्या ये क्या शुरू कर दिया तूने यार? यार मैंने नहीं शुरू किया, तूने शुरू किया था ये फोन करके सुबह। तू मना भी कर सकता था। तेरे पास कोई रीजन था मना करने का? तो मिलने का क्या रीजन था? यार तुझसे मिलना यार नैना, वो रीजन थोड़ी चाहिए। कार्तिक डोंट बी स्टूपिड यार, तेरे ऐसे बोलने से ना हमारी सिचुएशंस ही चेंज होने वाली है। यार फिर क्या हो गया यार, मेरे मन में यार तो पूछ लिया ना मैंने। यार मेरे को घंटा वर्क नहीं पड़ता है, तू अब क्या पूछ रहा है? तो क्यों कर रही है इतना ओवर रिएक्ट? यार तू ना अभी अभी भी वैसा ही बच्चा है, तू नहीं बदलेगा। से एक बात पकड़ी हुई है तूने, इसी बात पे तू झगड़े करती थी, इसी पे तूने ब्रेकअप कर लिया है, तेरा साल के बाद भी ना वही रोना है। तुझे इतनी ही फालतू लगती है मेरी बातें, तो फिर तू ये एक्टिंग क्यों कर रहा था? ये कपड़े भी तो इसीलिए डाल के आया है ना, क्योंकि तुझे आदिल के सामने दिखाना था। एक्स के बॉयफ्रेंड के सामने तो तुझे मैच्योर दिखना जरूरी लग रहा होगा बहुत ज्यादा। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना?
और तूने आई इसी माइंडसेट से थी कि देखो तू सही कि बेकुछ चेंज में जाए या वही इमेच्योर का इमेच्योर है अब तक, और अब मेरी मैच्योरिटी देख के तुझे दुख हो रहा है? मैच्योरिटी? हाँ, तूने थोड़ी सी फिलॉसफी क्या पढ़ ली, तुझे लग गया कि तू बहुत मैच्योर बन गया है? तू समझा दे फिर फिलॉसफी। नहीं समझाना है यार बस। नहीं एक और बार सही। नहीं कर सकती यार मैं ना, थक चुकी हूँ अब और नहीं कर सकती मैं। ऐसा भी क्या हो गया था यार, सब लोग ग्रो करते ही है ना इवेंचुअली, मैं भी करता ही। But the thing is कि you are not making any effort, you are just standing still. मुझे ही तुम तक आना पड़ता था यार, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आधा रास्ता मैंने चला तो आधा तुम्हारे हिस्से भी था। ना यार मैं still I was doing my part यार, but फिर पानी सर के ऊपर चला गया कार्तिक और तब मुझे realize हुआ कि this is not what I want. You are not the one I want. जब हम रिलेशन के स्टार्ट में आए थे तब तो ये कहते थे कि आई एम एवरीथिंग यू एवर वांटेड। यार अगर मैं शुरू से आदिल टाइप का होता तो क्या तू बनती मेरी गर्लफ्रेंड तब? पता नहीं। यार ऐसा क्यों होता है यार कि शुरुआत में हमें जो जैसा मिलता है हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब धीरे धीरे हमारे सामने रिवील होने लगता है तब हमें लगता है कि भाई तो अलग निकला। ऐसा करती हूँ ना, इसे यहाँ से मोल्ड कर दूंगी फिर यहाँ से चेंज कर दूंगी, तभी तो मेरे वो ड्रीम बॉयफ्रेंड की इमेज से मैच होगा। सर नहीं है यार कार्तिक, हम लोग शायद साथ रहने के लिए नहीं बने थे यार, और मे बी हम लोग सोलमेट्स थे ही नहीं यार कभी। सर क्या बुद्धू लॉजिक है यार, तुझे कैसे पता था कि नहीं थे, तू बना दिएगा ऊपर जाके। और होते क्या है सोलमेट वो जो तुम्हारे अकॉर्डिंग बिहेव करें? मैडम आप रोबोट ढूंढ रही हो, आप सोलमेट नहीं ढूंढ रही। तू ना सीन मत क्रिएट कर, तू समझा दे फिर। एक काम करना, वो ब्रेकअप वाले लेटर की तरह ना ये भी फ्रिज पे रख के चले जा, यार मुंह पे तो बोल नहीं सकती तू। कार्तिक वी वर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, दैट्स इट। और ये आदिल क्या तेरे साथ लाइफ टाइम रहेगा? यार आदिल इज नॉट द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, बट ही इज अ पार्ट ऑफ इट। यार प्लीज यार कार्तिक, है ना यार बस तू मुझे ना एक सिंपल सी बात बता दे, कल को ये आदिल अगर थोड़ा अलग निकला तो तू क्या इसके फ्रिज पे भी लेटर रख के चली जाएगी? यार तू क्यों कर रहा है ऐसा? यार तुझे नहीं आना चाहिए था यार आज, क्या लगा था यार नैना कि ये सब बातें बाहर नहीं आएंगी? नहीं लगा था, मुझे लगा था वी वर ओवर इट। पर कैसे ओवर यार, मुझे थोड़ी क्लोजर मिला था, मैंने थोड़ी लेटर लिखा था तेरी तरह। यार तेरी सारी बातें लेटर पर ही क्यों आ रही हैं? तू बात सुन, लेटर तुझे मिला होता ना तो तेरी बातें भी घूमकर लेटर भी आती। कार्तिक I was afraid यार, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कैसे कहूँ तुझसे, but I had to say something। मैं नहीं रह पा रही थी यार इतने झगड़ों में। यार हम दोनों ना एक दूसरे को खुश रखने की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो what was the point यार? मैंने आज तक नहीं कहा था कि मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है? हाँ झगड़े होते थे, मैं भी परेशान था यार नैना, पर मुझे लगा था यार झगड़े तो होते ही हैं, तू इस चीज का ब्लेम ना मुझ पे मत डाल, ठीक है? ठीक है, मेरी गलती है। हाँ। I wanted an exit यार, I'm really sorry for that, जो मैंने किया वो गलत था, but I won't be sorry for ending the relationship. मैं ना कुछ और चाहती थी यार लाइफ से, so I just went for it. तू क्या लाइफ में हर उस चीज को ठुकराती है जो तेरी ये want के मुताबिक नहीं होगी? हाँ, शायद। घंटा फिलॉसफी नहीं समझी फिर? अब तू समझाएगा मुझे फिलॉसफी? नहीं अब बात कर रहे हैं ना, ढंग से बात कर लेते हैं। तू बता, तुझे नीतू की हर बात पसंद है क्या? नहीं। तो तू उसे बदलने की कोशिश नहीं करता? कुछ चीजों के लिए कह देता हूँ और वो बदल लेती है। ट्राई करती है ना वो यार, तो वो बदल भी लेगी।
पर यार नैना फिर मैं ये सोचता हूँ कि एक आदमी 20-25 साल से एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल जी रहा है यार, तो एकदम से चेंज हो जाए मेरे लिए, गलत नहीं होगा क्या वो? कार्तिक, वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ व्हाट वी वांट यार। हम जो चाहते हैं ना वो हमारी पर्सनैलिटी का बहुत मेजर पार्ट है, तो उसे क्यों बदलना? मतलब यार तुझे जो तू चाहती है उससे कुछ बेटर मिल रहा हो फिर? तू अपनी बात कर रहे है? यार तूने वो जिग्सो पजल वाली गेम खेली है ना यार, पजल का हर पीस जैसे है ना नैना, उसे एक्चुअल में यार वैसा ही होना चाहिए। तू कुछ काट पीट कर देगी ना यार तो वो पिक्चर खराब हो जाएगी, है ना यार? बात को समझ यार, तेरा सोलमेट वैसा नहीं होगा यार जैसा तू चाहती है यार, वैसा होगा जिसकी तुझे ज़रूरत है। सोचना यार, तभी तो वो गैप फील होगा, तभी तो वो पिक्चर पूरी होगी। यार तू तो बहुत समझदार हो गया यार, 5 मिनट पहले तुझे एक्टिंग लग रही थी। कुलचा खाएं? तो टोटके वगैरह तो नहीं करती ना? मैं तो खाता नहीं ना, तू भी ना मना किया। तू मेरे गिफ्ट नहीं लाया? ये तो रे, खा तो ले, ला कुलचा दे। पकड़। इतने कम? तूने दिए इतने थे। रहने दे। तूने ना गुम कर दिए होंगे। इमैच्योर कहीं का। एक घड़ी तो ना तू रख ही ले। नहीं मेरे पास है तो है, ये देख। ये समझ आती है तुझे? समझ नहीं आती तो क्या हुआ, फोन में टाइम देख लेता हूँ। जो समझ नहीं आती है उसको रख के क्या फायदा है? या तो फिर उसको समझ, या तो फिर कोई नई खरीद ले। दे दिया सामान? हाँ चलो। क्या बात हुई? कुछ नहीं। नैना ऐसे इग्नोर तो मत कर, बी वोकल यार। यार मैं ना सिर्फ गिफ्ट्स देने गई थी, तो फिर तुम बेफालतू का तो एटलीस्ट मत सोचो। ऐसा मैं सोच रहा हूँ नैना? आई डोंट सी एनी लॉजिक इन दिस नैना। यू डोंट हैव टू आदिल, मुझे मिलना था और मैं मिल के आ गई, एंड सीरियसली आई हैव नो रिग्रेट्स। तुम्हारे डिसीजंस में मेरी फीलिंग्स को वैल्यू कब मिलेगी? डोंट बी अ क्राई बेबी आदिल, इतनी फ्रीडम तो ना हर रिलेशन में होनी चाहिए कि हम अपनी मर्जी से किसी से मिलने जा सकें। यार अब ऐसे बात तो मत करो जैसे मैंने तुम्हें कभी रोका है। तुम अभी रोक ही रहे हो मुझे।
यार आई आर यू बीन लिसनिंग टू योरसेल्फ हां मैं ना बहुत अच्छे से सुन रही हूं अपने आप को लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि तुमने मेरी सुननी बंद कर दी है मैंने सुननी बंद कर दी है मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा कि इस मीटिंग के पीछे कोई और वजह थी और यार तुमने तो मुझे इतना कुछ सुना दिया और तुम ना चाहती तो मैं जाता क्या तुम्हारे साथ ऑफ कोर्स जाते तुम ऑफ कोर्स जाते यार क्योंकि तुम्हें वहां पे मैं नहीं तुम्हारी इनसिक्योरिटी लेके गई थी तुम्हारी ना फट के हाथ में आ रखी थी कि मेरे और उसके बीच में फिर से कुछ शुरू ना हो जाए एटलीस्ट नैना मेरे पास कोई वजह तो थी बात बतानी थी आपको हाँ बोलो वो ये घड़ी का ना वो सुइयों वाला सिस्टम है ना मुझे समझ नहीं आता तो फिर पहनी क्यों है आपने दिए तो पहनूंगा भी नहीं अच्छा तो प्यार में पहनी या प्रेशर में नहीं पहनी तो प्रेशर में ही थी अब प्यार से पहनना चाहता हूँ तू भी यार क्या करते रहते हो आप अब मेरे को बताओ आप मेरे को सिखाओगे ना फिर ये सुइयों वाला सिस्टम हाँ सिखा दूंगी कब से ठीक है यार ये किस लिए क्योंकि मेरे बाबू को उसमें टाइम देखने में दिक्कत होती थी ना इसलिए पर अब तो सुइयों वाला सिस्टम भी समझ में आने लग गया था फिर क्या हुआ इसमें दोनों है ना डिजिटल भी और एनालॉग भी अगर कभी एनालॉग में टाइम नहीं समझ आया तो डिजिटल में देख लिया ऐसे धीरे धीरे सुइयां भी समझ आने लग जाएंगी और फिर डिजिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुझसे मेरा साथ झूठा सब झूठा ख्वाब देखा मैंने क्यों बन के हवा मुझसे जुदा तो हुई पर तू मेरे घर छोड़ गई तेरी खुशबू तू बीता हुआ मैं आगे दिया छ तू मोड़ वो जहां मैं लौट ना पा